नमस्कार दोस्तों, ट्रैक्टर जोन में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर ज़मीन हमारी हार्ड हो और ऐसे में हमें उसमें गहरी जुताई करनी हो तो किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये धान का खेत है और इसमें अभी हम जुताई करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़मीन जो है थोड़ी सी हार्ड हो चुकी है, इसमें दरारें चल चुकी हैं। और ऐसे में कुछ दो तीन चीज़ों का आपको जो है सेटिंग सही रखना है। कुछ ट्रिक बताऊंगा मैं कि क्या करना है आपको ट्रैक्टर और कल्टीवेटर में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ये वाला हमारा ट्रैक्टर है और इससे हम अभी जुताई करने वाले हैं। तो ये पीछे कल्टीवेटर लगा है, फिक्स टाइल वाला, 9 टाइल का टिलर है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम नीचे उतार लेते हैं पोजीशन लीवर से। तो अब दोस्तों, किन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। तो कल्टीवेटर जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने कनेक्ट कर लिया है ट्रैक्टर से और ये टॉपलिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपलिंग हमने कस रखी है। तो कल्टीवेटर का जो है लेवल बिल्कुल जो है एक समान होना चाहिए, लगभग जो है आगे से इतना सा थोड़ा सा अधिक होना चाहिए या फिर एक समान रख सकते हैं, बिल्कुल बैलेंस में होना चाहिए अगर आप हार्ड खेत में जुताई कर रहे हैं, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं बिल्कुल एक लेवल पर हमने इसको छोड़ रखा है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर जो है इन दोनों को सेट करने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कम ज़्यादा करने के लिए, तो इन दोनों का लेवल भी एक होना चाहिए, इतना सा आधा इंच भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो नहीं हो तो आप कर सकते हैं। तो इनको हमने एक लेवल पर रखा है दोनों को। तो इन दोनों चीज़ों का आप खास ध्यान रखें। और तीसरी चीज़ दोस्तों, ट्रैक्टर के जो टायर हैं उनमें हवा कम होना चाहिए, कम यानी कि 12 से 16 पाउंड तक हवा आप जो मेन टायर है उनमें इतनी ही होनी चाहिए। तो अभी हमने देख सकते हैं आप कम हवा रखी है। तो चलिए दोस्तों, ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं और जुताई शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह की जुताई होती है इससे। तो मैं बैठ जाता हूँ सीट पर और अभी हमने कर दिया है ट्रैक्टर को स्टार्ट। तो दोस्तों, हम फर्स्ट में जुताई करेंगे डायरेक्ट। और यहाँ पर हम लीवर को सेट कर देते हैं, ये पहले से मैंने सेट कर रखा है, इसको तो थोड़ा और गहरा कर देते हैं हम। जो ड्राफ्ट लीवर है हमारी, उसको हम नीचे उतार देंगे पूरा। और बिल्कुल दोस्तों, ट्रैक्टर चलाते समय स्पीड का बिल्कुल ध्यान रखना है कि बिल्कुल स्लो स्पीड में चलाना है ट्रैक्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 फीट पर हम ट्रैक्टर चला रहे हैं, आप देख सकते हैं हो रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जुताई हो रही है। मिट्टी थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन जो है हार्ड से हार्ड ज़मीन में आप इस कल्टीवेटर निकाल सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों, ये थी आज के स्टूडियो में जानकारी। तो कल्टीवेटर चलाते समय कुछ इन्हीं दो तीन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात तो कल्टीवेटर का बैलेंस बिल्कुल लेवल में होना चाहिए और दोनों टाइलों का जो है लेवल भी एक समान होना चाहिए, उस वाली और इस वाली का। और तीसरी चीज़, हवा बिल्कुल जो है कम होनी चाहिए टायरों में अगर आप गहरी जुताई करना चाहते हैं कड़क ज़मीन में, हार्ड ज़मीन में। तो दोस्तों, ये थी आज के स्टूडियो में जानकारी और मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।